हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वड़ा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसे आप छोटे मोटे ओकेजन में बना सकते हो। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दही वड़ा की रेसिपी को बनाना। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी उड़द की दाल ली है, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया था। मैंने दाल में से सारा पानी निकाल लिया है। और एक बड़ी हरी मिर्च ली है, जिसके मैंने बड़े टुकड़े कर लिए हैं। एक बड़े कटोरी मीठा दही लिया है, यानी कि कर्ड। एक कटोरी हरी चटनी ली है। एक कटोरी इमली की मीठी चटनी ली है। तो सबसे पहले हम दाल और हरी मिर्च को मिक्सिंग जार में डाल देंगे। यहाँ हमने हरी मिर्च और दाल को मिक्सिंग जार में डाल दिया है। अब हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा कम हींग डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। ये हमारा दाल का स्मूथ बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम वड़ों को डिप करने के लिए पानी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तपेली में 5 ग्लास ठंडा पानी डाल दिया है। अब हम पानी में नमक डालेंगे आधा चम्मच। नमक डाल देंगे और चुटकी भर हींग डाल देंगे और पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा पानी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम बैटर को लेंगे और ऐसे वड़े बना लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हो, मैं यहाँ स्पून से कर रही हूँ। अब हम इन वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे वड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम बाकी बचे हुए बैटर के भी वड़े बना लेंगे। इस तरीके से सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं। अब हमने जो नमक और हींग का पानी तैयार किया था, उस पानी में हम वड़ों को डाल देंगे। जितना जरूरत होगा उतने ही वड़े हम पानी में डालेंगे। और स्पून से अच्छे से हिला देंगे और 10 मिनट के लिए इन वड़ों को पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इन वड़ों में से सारा ऑयल निकल जाए। हमारे वड़े को 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इन वड़ों को पानी से बाहर निकाल लेंगे और इन वड़ों को ऐसे हाथ से
इनमें बचा हुआ पानी भी हम निकाल लेंगे, ये इस तरीके से। बाकी बचे हुए वड़ों को भी हम ऐसे ही पानी निकाल लेंगे। मैंने वड़ों में से सारा पानी निकाल लिया है। अब हम वड़ों के ऊपर दही डालेंगे। अच्छे से हमें दही डालना है वड़ों के ऊपर। तो यहाँ हमने अच्छे से दही डाल दिया है। अब हम हरी चटनी डालेंगे। ये हमने हरी चटनी भी डाल दी है। अब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। ये हमने इमली की चटनी भी डाल दी है। अब हम ड्राई मसाले डालेंगे। चुटकी भर भुना हुआ जीरा पाउडर, चुटकी भर चाट मसाला, चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर प्लेन नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर। जो मसाले आपको पसंद हो वो भी आप डाल सकते हो। तो लीजिए, हमारा दही वड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।